पाठ हम आपको दे रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही, न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, इसमें आपके तीन नियम होते हैं गति के, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो पहला नियम हम आपको दे रहे हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसको कहते हैं जड़त्व नियम या जड़त्व सिद्धांत। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में, और यदि ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में, और यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी नियम को कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। एक चीज़ ये जान लीजिए कि यह नियम बल की परिभाषा को शो करता है, है ना। जो नहीं बताया जाता है कि बाह्य बल है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है, तो ये बल नियम की उत्पत्ति है एक तरह से। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इस नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, है ना, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन, और एक और अच्छी बात होती है कि संवेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी बाह्य बल के कारण, जो दिशा होगी वो दिशा बल की दिशा में ही होगी। यानी अगर बल आप इधर लगाएंगे, बल अगर आप इधर लगाएंगे तो संवेग परिवर्तन भी की दिशा आगे ही होगी। जैसे हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं आपका, इसमें हमने लिखा है, ये एक पिंड को दिखाया है जिसका प्रारंभिक वेग u है, और डेल्टा t समय बाद इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं f का, जिसके कारण इसका वेग v हो जाता है। हमने यही लिखा भी है, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है तथा प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद एक बाह्य बल f लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। अब हम लोग इसमें देखें, प्रारंभ में वस्तु का वेग क्या होगा, संवेग p1 बराबर एम यू, और टी समय बाद क्या होगा, पी टू बराबर एम भी। ठीक है, अब हम संवेग परिवर्तन, इसमें देखिए हम नियम कह रहे हैं कि संवेग परिवर्तन, तो अगर हम संवेग परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी टू में से पी वन को घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एम भी माइनस एम यू, ये डेल्टा पी, और अगर हम इसमें डेल्टा टी का भाग दे दें, ठीक है, डेल्टा टी का क्या करें, भाग दे दें, या ये कह लीजिए कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होती है तो वो कर लीजिए। तो अगर हम भाग देते हैं डेल्टा पी का, डेल्टा टी का, तो हमें मिल जाएगा एम भी माइनस यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी बराबर एम, और ये क्या है, वेग परिवर्तन की समय दर, यानी ये क्या है, त्वरण, तो ये हो जाएगा एम ए यानी एफ। ये आपके नियम को प्रूफ करता है। ठीक है, आप इसको वेक्टर में ही दिखाना चाहें तो वेक्टर में ही दिखाएं, ओके। तो ये संवेग परिवर्तन को आपको प्रूफ है। ये फिर से देख लीजिए एक बार, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। और यह नियम बल की परिभाषा को शो कराता है, यानी बाह्य कारक कैसे प्रभावित करता है पिंड की गतियों को, या फिर स्थिति परिवर्तन को, वो आपको दिखाया। न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, वो आपको दिख रहा होगा अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन। यानी आप इसमें ये भी कह सकते हैं
कि जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ये हमेशा यफ के बराबर होगा, यानी संवेग परिवर्तन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बल के। ठीक है, अब इसमें आपको प्रूफ किए हैं कि एक वस्तु है एम द्रव्यमान की जो प्रारंभिक वेग यू से चल रही है, डेल्टा टी समय बाद एक एफ फोर्स अप्लाई करने के पर उसका वेग भी हो जाता है, तो पहला उसका संवेग होगा पी वन बराबर एम यू और टी समय बाद उसका संवेग होगा पी टू बराबर एम वी टू। ये जो टी समय बाद जो क्रिया आई है, ये जो संवेग आया है, ये फोर्स के कारण आया, यानी इसके अंतर करके अगर आप फोर्स फाइनल करते हैं तो आपका ये प्रूफ होगा। तो संवेग परिवर्तन क्या होगा, आपका पी टू माइनस पी वन करेंगे, ये संवेग परिवर्तन। तो हम उस सूत्र को यहाँ से दोनों सूत्र को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा, डेल्टा टी का अगर भाग देते हैं तो ये त्वरण को शो करता है वेग परिवर्तन की समय दर, यानी डेल्टा पी एम ए बराबर है। धन्यवाद।